नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के संक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल चेयरमैन अभिषेक राणा ने नागरिकता संशोधन बिल और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। वित्त मंत्री प्याज के महंगे होने पर दे रहे हैं बेतुके बयान, कहा कांग्रेस मीडिया सेल चेयरमैन अभिषेक राणा ने। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने खोखा धारकों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों में स्थानांतरित किए जाने के प्रशासन व सरकार के फैसले पर सहमति जताने के लिए जमकर की तारीफ। खोखा धारकों का ये फैसला हमीरपुर के विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा साबित। जेएनयू में छात्र संघ की अध्यक्ष और महिला प्रोफेसर पर हुए हमले के विरोध में एसएफआई व डीवाईएफआई ने हमीरपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। छात्रों ने सरकार से मांग की कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उस पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। बॉलीवुड की मेकअप सेलिब्रिटी मंजू डागर ने कमल ताज होटल में ब्यूटीशियन निहारिका कौशल के सौजन्य से 3 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला में करीब 50 लड़कियों ने लिया भाग।